बेस्ट फोन अंडर 25 के सितंबर 2022 में कौन से फोन है, ये आपको यार इसी वीडियो में पता चलेगा। सितंबर में साल की सबसे बड़ी वाली सेल भी आ रही है फ्लिपकार्ट अमेजॉन में, 23 सितंबर से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मैं आपको फोन बताने वाला हूँ, ये फोन अभी तो मिल रहा है 25,000 रुपए के आसपास, लेकिन ये सारे के सारे फोन अंडर 20 के हो जाएंगे बैंक ऑफर लगा के जब सेल स्टार्ट होगी। यार वीडियो में बहुत सारा लाइक आ जाएगा, बहुत सारा शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो यार काफी ज्यादा कृपा हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं 7वें नंबर के फोन की, यहां पर बैठा हुआ है OnePlus Nord CE 2। इस फोन को लेने का यदि आप विचार बना रहे हैं, सबसे पहले बैक कवर बाय करिएगा, बहुत ही जल्दी से फोन घिस सकता है क्योंकि पीछे की तरफ यार ग्लास की बॉडी नहीं मिल रही है, वही पॉलीकार्बोनेट का बैक है और बहुत ज्यादा चमकता भी है, आपके हाथ की उंगलियां भी यहां पर छपेगी। यदि आपको अपना फोन जल्दी से यार पुराना नहीं करना है, अच्छा वाला टेम्पर्ड ग्लास और साथ में बैक कवर लगा के यार इस फोन को यूज करिएगा। जो प्रोसेसर है वो 5G वाला है, अच्छी बात है। MediaTek का Dimensity 900, जो भी यार आप गेम वेम खेलेंगे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, 5G के चक्कर में अल्ट्रा वाइड वाला सेंसर को गायब नहीं किया गया है और लग रहा है यार OnePlus वालों ने ऑर्डर दे रखा है, हम 90Hz का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले ही हर एक फोन में देंगे, चाहे वो महंगा वाला हो चाहे वो सस्ता वाला हो। और जो बैटरी है वो है 4500 mAh की, यहां पर भी यार हर एक फोन में यही वाली बैटरी चिपकाई जा रही है। और जो चार्जर है वो है 65W का। यदि आपको OnePlus का फोन लेना है आप इस वाले डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। किसी ने मुझे कल ही कमेंट करके पूछा था यार 5,000 रुपए के अंदर कोई यार नई वाली स्मार्ट वॉच के बारे में बता दो। मुझे लगा जो स्मार्ट वॉच आजकल मैं यूज कर रहा हूं वो आपको बता देता हूं। ये है Realme की स्मार्ट वॉच 3 Pro, अभी नया में लॉन्च हुई है और यार यहां पर आपको कॉलिंग वाला फीचर मिल रहा है, माइक्रोफोन भी है, स्पीकर भी है, आप बात भी कर सकते हैं, एमोलेड डिस्प्ले है कर वाला, और जो आउटडोर की विजिबिलिटी है ये भी काफी शानदार है, SPO2 मिल जा रहा है, हार्ट रेट सेंसर है। और जब आप इसे Realme की लिंक एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे आपको यार और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। और जो बैटरी बैकअप है ये भी आपको ठीक मिल जाता है, अप्रॉक्स यार 10 दिन का। बिल्ड क्वालिटी भी यार मुझे मायूस नहीं करती है, मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं इस वाली वॉच की तरफ। देखिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, यहीं से बाय कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, बात करते हैं 6वें नंबर के फोन की, यहां पर बैठा हुआ है रेडमी का K50i। आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है तो भाई आपको इस फोन में जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek का Dimensity 8100, ये काफी पावरफुल लगेगा, गेम वेम खेलेंगे कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फोन हीट भी नहीं होता है। और जो डिस्प्ले है ये है 144Hz का फुल HD+ वाला, डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल रहा है, HDR10 है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। हाँ मुझे पता है एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, पीछे की तरफ जो डिजाइन है ये भी आपको प्यारा मिलता है, और जो 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है ये आपको ठीक ठाक लगेगा, 5,080 mAh की बैटरी है। तो मेरे हिसाब से यहां पर उन लोगों को जाना चाहिए जिनको कमाल का परफॉर्मेंस वाला फोन लेना है। अब बात करते हैं 5th नंबर के फोन की, यहां पर भी बैठा हुआ है Xiaomi का 11 Lite Any और ये भी 5G वाला फोन है, और यहां पर जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon का 778G। यार परफॉर्मेंस के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से ये काफी शानदार फोन है, 158 ग्राम का, मतलब बहुत ही छोटू सा फोन है। और जो डिस्प्ले है वो है 90Hz का 10-bit वाला AMOLED पैनल, HDR10+ का सपोर्ट मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है। हाँ जो बैटरी है वो थोड़ी सी यार छोटी है, 4250 mAh की, और जो चार्जर है वो आपको मिलता है केवल और केवल 33W का। पीछे एक तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है और जो 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो सेंसर है ये काफी बिंदास है। आपको हल्का फुल्का वाला फोन लेना है आप जा सकते हैं Xiaomi के 11 Lite Any की तरफ। अब बात करते हैं 4th नंबर के फोन की, यहां पर है iQOO का Z6 Pro। इस फोन में भी वही वाला प्रोसेसर है जो मैं पहले बता चुका हूं Xiaomi के 11 Lite Any में, मतलब Snapdragon का 778G। आप यदि इसे कंपेयर करते हैं MediaTek के Dimensity 900 से 920 से तो भाई ये वाला जो प्रोसेसर है Snapdragon का ये काफी पावरफुल है, प्रोसेसर आपको अच्छा मिल जाता है, 90Hz का AMOLED पैनल है,
पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है और जो बैटरी है वो है 4700 mAh की और जो चार्जर मिल रहा है वो है 66 वॉट का। तो आपको IQ के ब्रांड से दिक्कत नहीं है तो आप जा सकते हैं IQ के Z6 Pro की तरफ। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के फोन की, ये है Vivo का V23। अब तो यार आ चुका है Vivo का V25। इस फोन को बाय करना चाहते हैं आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन मार्केट में, वहां पर आपको 25,000 रुपए के अंदर ये फोन भरपूर मिलेगा। और यार यहां पर जो डिस्प्ले है वो है 90Hz का एमलेट पैनल और पीछे की तरफ भी यार ग्लास की बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, रंग भी बदलता है, घर के अंदर कुछ और होगा, घर के बाहर जाएंगे कुछ और होगा, साइड में यार जो फ्रेम है ये भी मेटल वाले हैं, बॉक्सी वाले डिजाइन है, देखने में सुंदर फोन दिखता है। पीछे एक तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, आगे की तरफ भी दो कैमरे हैं, एक है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड वाला। हाँ जो बैटरी है वो आपको थोड़ी सी छोटी लग सकती है 4200 mAh की और जो चार्जर है वो है 44 वॉट का। आपको Vivo का फोन पसंद है तो आप जाइए Vivo के V23 की तरफ। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के फोन की, यहां पर है Realme का 9 Pro Plus। बैंक ऑफर लगा के अभी Flipkart की सेल में ये फोन 18,000 रुपए का मिलने वाला है। इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। भाई पीछे की तरफ जो कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, कैमरे में जो सेंसर है वो है सोनी का IMX766, अच्छा वाला कैमरा है, 90Hz का एमुलेट पैनल मिल रहा है, 4500 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन का नहीं MediaTek का Dimensity 920 वाला प्रोसेसर है। आपको यार कमाल का कैमरे वाला फोन लेना है और आपका बजट कम है, आप जा सकते हैं Realme के 9 Pro Plus की तरफ। अब बात करते हैं नंबर 1 फोन की और यार इस फोन का पहले प्राइस था 25,000 रुपए, बहुत बार सेल के दौरान 20,000 रुपए के अंदर आपको मिला है Samsung का Galaxy M52। पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, आगे की तरफ 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी। हाँ जो चार्जर है वो आपको बहुत ही कम वॉट का मिल रहा है, केवल और केवल 15 वॉट का और जो चार्जिंग का सपोर्ट है वो है 25 वॉट का। चलो यार बॉक्स के अंदर चार्जर दे दिया वरना सैमसंग वाले तो चार्जर को गोल कर देते हैं। और जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 778G। हाँ स्टीरियो स्पीकर नहीं है, पीछे की तरफ ग्लास नहीं पॉलीकार्बोनेट का ही बैक मिल रहा है, आपके हाथ की उंगलियां भी चपेगी और बहुत ही जल्दी से ये फोन घिस भी सकता है। आपको सैमसंग का Under 20K डिवाइस बाय करना है, आप जाइए सैमसंग के गैलेक्सी M52 की तरफ। और जो लोग सोच रहे हैं यार M53 बाय कर लें क्या, नहीं आप बाय करिए M52। मैंने आपको 7 फोन बता दिए जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपके दिमाग में कोई और फोन है आप उसे सजेस्ट करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके यार बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की। कुछ भी आप यार पूछ सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क है पूछना। जाते आते यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।